नमस्कार, मैं ललित। और आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तकरीबन 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसे इस तरह से दिखा रही है कि बहुत बड़ी जीत की तरह है। जो तमाम समर्थक हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे और बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हो गए थे। फरवरी 2023 के आसपास मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में उन्हें जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। शराब नीति घोटाले को लेकर ये पूरा मामला है, ये सारा आपने टाइमलाइन में देखा है। लेकिन अभी किस तरह का माहौल है? माहौल इस तरह का है कि मनीष सिसोदिया चूंकि अब जेल से रिहा हो रहे हैं, तमाम जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो वहां पर पहुंच गए। एक बड़े जश्न के तौर पर, बड़ी जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी इसे प्रोजेक्ट करना चाह रही है। इन सबसे इतर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो जान लेनी चाहिए, सभी को जो जान लेनी चाहिए वो ये कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही हैं, उन्हें अब तक जमानत मिल नहीं पाई है। मनीष सिसोदिया बड़े चेहरों में जो गिरफ्तारी थी वो मनीष सिसोदिया की थी और उसके बाद लगातार वो अपील करते रहे, वो खारिज होती रही। ईडी ने इस बार भी दलील दी लेकिन वो खारिज कर दी गई है। इसका टाइमलाइन भी देखना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि सिसोदिया को हिरासत में रखना जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं उनका अब उल्लंघन होगा। केस को देखते हुए अदालत ने उन्हें रिहाई दे दी है। 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज इस मामले में पेश किए जा चुके हैं और ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में केस खत्म होगा। लेकिन फिर भी जो रिहाई के लिए शर्तें हैं वो पूरी हुई और उसके बाद मनीष सिसोदिया को यह जमानत मिली है। और जैसा मैंने बताया, आम आदमी पार्टी इसे जश्न जलसे के तौर पर दिखा रही है, जीत के तौर पर दिखा रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो बड़े लीडर हैं उनका ये कहना है कि ये कोई जीत नहीं है, केस अभी भी उनके खिलाफ चल रहा है। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है इस मामले में कि अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अभी भी जेल में ही हैं। जमानत मिलने के बाद जैसे ये खबर बाहर आई तो जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उन्होंने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही। संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने ये बात कही कि ये लोकशाही का तमाचा है तानाशाही के खिलाफ। इस तरह के तमाम तरह के बयान भी आए और आखिरकार अब उनकी जो रिहाई है उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनमें जोश भी है। हालांकि ये जो जमानत है वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता जेल में हैं और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में हैं, आम आदमी पार्टी इस रिहाई के बाद क्या कुछ उसमें राजनीतिक अपडेट्स होते हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन कुल जमा बात यह कि तकरीबन 17 महीने बाद आखिरकार जो मनीष सिसोदिया हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही है, वो मैं आपको बता दूं। जमानत को लेकर अब तक की गई कार्यवाही के बारे में जो बात निकल कर आई है, सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट भेजना सांप सीढ़ी के खेल में डालने जैसा होगा। एक नागरिक को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आज जब ये टिप्पणी आई तो ये टिप्पणी भी आपको जान लेनी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ होगा वो भी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूँ तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेंगे। एक आम आदमी तो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार दूर किसी जेल में डालेगी तो उनकी ताकत तो मुझे देनी नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के सामने टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए।
देश के ताले टूटेंगे, देश के ताले टूटेंगे। संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के लिए बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बन रहे हैं। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और थाना शहर तक भी पहुंचे कि कह कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का अधिकार, भ्रष्टाचार का अधिकार।